शर्मील को दुबई से कनाडा जाते हुए परवाज से ऑफलोड कर दिया है। खबर आपको दें, मौलाना तारिक जमील को दुबई से कनाडा जाते हुए परवाज से ऑफलोड कर दिया गया है। मौलाना तारिक जमील जिन्हें दुबई से कनाडा जाते हुए परवाज से ऑफलोड कर दिया गया। मजीद तफसीला जानते हैं हमारे नुमाइंदे खिजर आजम से। खिजर आजम, मामला क्या है, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौलाना तारिक जमील जो कि शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के साथ हमरा जो है वो जा रहे थे टोरंटो, तहम जब वो दुबई से कनाडा के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्हें ऑफलोड कर दिया गया और क्लियरेंस ना होने की वजह से मौलाना तारिक जमील को जो कि कैनेडियन हुकाम हैं उन्होंने ऑफलोड किया है। मैं आपको ये अपडेट करता चलूँ कि शाहिद आफरीदी के हमरा वो फाउंडेशन के प्रोग्राम जो कि शाहिद आफरीदी की फाउंडेशन है उसके सिलसिले में कैनेडा जा रहे थे। कल वहाँ पर फंड रेजिंग प्रोग्राम है और आज शाहिद आफरीदी और मौलाना तारिक जमील और उनके साथ दीगर जो उनकी फाउंडेशन के लोग हैं वो कनाडा जा रहे थे। तहम स्टार क्रिकेटर शाहिद आफरीदी को तो जाने दिया है, तहम जो मौलाना तारिक जमील हैं उनको ऑफलोड कर दिया गया है कैनेडियन हुकाम की वजह से। और वजह यही बताई जा रही है कि जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है उसमें मसला है जिसके बायस उन्हें ऑफलोड किया गया है। जी शुक्रिया खैज़र आज़म।